नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। नाउ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने होंगे। अब एलिफेटिक इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेसिकली, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होंगे जो साइक्लिक भी हो सकते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, और इसके अलावा शॉर्ट चेन हाइड्रोकार्बन के भी एलिफेटिक फॉर्म में होते हैं। और इसलिए हम एलिफेटिक बोल रहे हैं क्योंकि ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। और इसके अलावा दूसरे टाइप के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की अपनी अलग कंडीशन होती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स। तो बेसिकली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू क्लासेस। पहला होता है आपका सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एंड दूसरे टाइप के जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होंगे दिस इज अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब बात करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आते हैं बेसिकली, इसका जो एक एग्जांपल हम लेंगे दिस इज एल्केन। तो ऑल एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की दो कैटेगरी होती है, इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज करेंगे। पहला आपके पास होगा एल्केन्स, और दूसरे कैटेगरी पर आता है आपका एल्काइन्स। तो एल्केन्स एंड एल्काइन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें ऑलवेज कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उन हाइड्रोकार्बन्स को हम बोल देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड के अंदर आपका एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। तो एल्कीन्स की प्रॉपर्टी क्या होगी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोल देते हैं एल्कीन्स, और ऐसे ही कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसको हम बोल देंगे एल्काइन। तो दीज आर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब हमको सिलेबस में एल्कीन्स की और एल्कीन्स एंड एल्काइन्स इनको सेपरेटली हमने स्टडी करनी है। अब सबसे पहले बात करते हैं एल्कीन्स की। तो सबसे पहली टॉपिक हम लेंगे अब एल्कीन्स। तो सबसे पहले देखिए एल्कीन्स बनता किससे है। तो हम ये कहते हैं कि एल्केन्स आर दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब एल्केन्स का ओरिजिन कहां से होता है इस पे हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, एल्केन्स का अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है, और उस जनरल फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करते हैं एल्केन्स को ड्राइव करते हैं। तो एल्केन्स का अपना जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है बेसिकली CnH2n+2। तो CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्केन्स जिससे हम एल्केन को डेरिवेट करते हैं। अब जहां पे जो n है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n जो है कार्बन एटम्स के नंबर को बताता है, और वो जो वैल्यू होगी आपकी वो रहेगी आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड नंबर ऑफ n तक। नाउ अब हम क्या करते हैं कि 1/1 n की वैल्यू को जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो इससे वेरियस मेंबर्स ऑफ एल्केन्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
व्हेन आप एन की वन वैल्यू को पुट आउट करेंगे तो एक आपको मिलेगा सी इंटू वन एच टू इंटू वन प्लस टू, इट मीन्स सी एच फोर. सो सी एच फोर इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन जो एन इज इक्वल टू वन को पुट आउट करके आपको मिल रहा है. ऐसे ही एन की वैल्यू को अगर टू पुट आउट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपका सी इंटू टू एच टू इंटू टू प्लस टू, इट मीन्स सी टू एच सिक्स. दिस इज द सेकेंड मेंबर ऑफ एल्कीन सी टू एच सिक्स. इसी तरीके से आप n की वैल्यू को 3 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये मिल जाएगा C3H8. ऐसे ही आप कर सकते हैं n की वैल्यू को 4 तो C4H10. ठीक, तो दीज आर दी लॉन्ग चेन ऑफ दी हाइड्रोकार्बन CH4 C2H6 C3H8. अब देखिए क्या होता है एल्केन्स में, एवरी टू मेंबर्स के बीच में एक फिक्स डिफरेंस आपका रहता है और वो फिक्स डिफरेंस क्या है देखिए, CH4 और दूसरा मेंबर है आपका C2H6, ऐसे ही तीसरा मेंबर था आपका C3H8, ऐसे ही चौथा मेंबर था आपका C4H10. अब देखिए इसमें क्या होता है कि दो एडजेसेंट मेंबर्स के बीच में एक फिक्स डिफरेंस होता है आपका CH2 का, और ईच एडजेसेंट के बीच में क्या होगा CH2 का अपना फिक्स डिफरेंस होगा. देखिए इस तरीके से CH2 के बेसिस पे पूरी एक सीरीज आपको मिल रही है और इस पूरी सीरीज को हम बोल देते हैं एक तरीके से होमोलोगस सीरीज. तो एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज इसका नाम होता है. तो दीज आर दी होमोलोगस सीरीज. तो आप ये कहेंगे कि होमोलोगस सीरीज में एवरी टू एडजेसेंट मेंबर ऑफ द एल्केन्स में क्या होता है, एक फिक्स डिफरेंस होता है CH2 का, और इसके सिर्फ फिक्स डिफरेंस के बेसिस पे जो सीरीज आपको मिलती है उस सीरीज को हम बोल देते हैं होमोलोगस सीरीज. तो ये आपका एल्केन्स के मेंबर्स को हमने डिफाइन कर दिया. अब देखिए नाउ अब हम बात करते हैं कि एल्केन्स बनते किससे हैं. तो अब हम सीधे प्रिपरेशन में जाएंगे. तो एल्केन्स की सबसे पहले हमको करनी है प्रिपरेशन. तो कैसे आप प्रिपेयर करते हैं एल्केन्स को, नाउ प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स. प्रिपरेशंस ऑफ एल्केन्स, तो एल्केन्स बेसिकली एक तो नेचर पे आप किस तरीके से एल्केन्स को फॉर्म करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि एल्केन्स फ्री फॉर्म पे भी रहती है, जो आपका एक तरीके से दलदली एरिया होता है उसमें एल्केन्स की परसेंटेज रहती है. पेट्रोलियम जो सब्सटेंसेस होती हैं, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस में भी एल्केन की फॉर्मेशन होती है. तो ये तो एक नेचुरल एबंडेंट होती है एल्केन्स की. अब लेबोरेटरी में हम एल्केन्स को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं उसकी हम बात करेंगे. अब तो सबसे पहला प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आप कैसे एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे उसके पीछे जाते हैं. तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन को बनाने के लिए इसका एक और मेथड हम नाम दे सकते हैं इसका, बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन. एल्केन के हाइड्रोजिनेशन से हम एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे और इसी मेथड को हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन की फॉर्मेशन. तो देखिए हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद H2, तो हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं. एक और नाम इसको हम बोल देते हैं बाय, और आप इसको किस तरीके से दिखाएंगे, बाय कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन. क्यों हम इसको कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट के होती है. सो इन दैट केस इसको एक और नाम दे देंगे बाय कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सपोज आपके पास कोई एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. अनसैचुरेशन का मतलब ये होगा कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या आपका ट्रिपल बॉन्ड. तो ये है आपका इथीन का मॉलिक्यूल, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. तो इसकी हम रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन का मतलब मैंने कहा रिएक्शन विद H2, इसकी हम रिएक्शन कर देंगे H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट. इस पर हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ हमने इसको कहा है कैटेलाइटिक हाइड्रोजिनेशन. तो कैटलिस्ट यहाँ पर होता है प्लेटिनम या पैलेडियम या आपका निकिल, इन तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या पैलेडियम या निकिल, दीज आर द कैटलिस्ट. और यहाँ पर एक फिक्स टेम्परेचर भी होता है करीब करीब 523 से लेके 573 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये इस टेम्परेचर में ये रिएक्शन होगी. तो जैसे ही आप क्या करते हैं एल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन करेंगे H2 से, तो यहां पर एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये पूरा का पूरा H2 जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा. आप कैसे करेगा तो हम इसके देखते हैं मैकेनिज्म. नाउ मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन. तो देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या होता है,
ये जो एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड डिसोसिएट होता है, इसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं H2 से, तो क्या होगा HH के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो HH के बीच का जब आप बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे तो कहीं भी बॉन्ड तोड़ सकते हैं, बिकॉज बोथ H आर सिमिलर, तो जहां से बॉन्ड टूट रहा है उसकी ओर पॉजिटिव साइन आएगा, जिसकी ओर जा रहा है इलेक्ट्रॉन उसकी ओर नेगेटिव, इस मीन्स एक H नेगेटिव बन गया, एक H बन गया आपका पॉजिटिव। अब क्या करना है आपने, ये जो H2 है इसको रिएक्ट कराना है डबल बॉन्डेड कार्बन में, तो यहां पर क्या होगा जो पाई बॉन्ड है डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होगा एक सिंगल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड डिसोसिएट होता है, तो पाई बॉन्ड भी कहीं की ओर टूट सकता है बिकॉज दोनों कार्बन जो है सेम केमिकल एनवायरनमेंट के हैं, तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया एक पर नेगेटिव चार्ज, तो ये जो H पॉजिटिव है ये इस CH2 नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, और ये H नेगेटिव इस CH2 पॉजिटिव के साथ, हमने कोई कैटलिस्ट लिया है इसमें PD या प्लेटिनम कुछ भी ले सकते हैं इसमें से, तो यहां से देखिए जब ये CH2 से जुड़ेगा तो ये बन गया CH2 एंड देन H डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, तो ये बन गया आपका इथेन। तो इसको हम कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ इथेन इनटू इथेन, तो बाय द हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये तो एक एग्जांपल हो गया, ऐसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज आपके पास क्या है सेकंड एग्जांपल पे, आपके पास इससे हायर मेंबर को ही ले लिया आपने, हायर मेंबर में आप ले रहे हैं CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, सपोज ये आपका कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसको हम ब्यूटीन बोलते हैं, इसके हम रिएक्शन कर देंगे H2 के साथ, तो सेम प्रोसेस होनी है, कोई कैटलिस्ट आपने ले लेना है प्लेटिनम या निकिल, तो क्या होगा सबसे पहले H हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा सेम तरीके से, ये नेगेटिव बन गया ये पॉजिटिव बना, ऐसे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा एक पॉजिटिवली चार्ज बन गया एक नेगेटिवली चार्ज, तो H नेगेटिव H पॉजिटिव जो है CH2 नेगेटिव के साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, तो फाइनली आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया CH3CH2CH2 एंड देन CH3, इसको हम बोलते हैं ब्यूटेन, फोर कार्बन की चेन है। तो इसमें क्या होता है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो होंगे वो सिमिलर फॉर्म में होंगे, तो दिस इज ये पहला मेथड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्कीन की फॉर्मेशन। इसके अलावा एक चीज और है, ये तो हमने एल्कीन को लिया हुआ है, इसके अलावा तीसरा एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर इसकी जगह पे कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप लेते हैं एल्काइन, एल्काइन में कार्बन कार्बन में क्या होगा ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं इथाइन। तो इसकी अगर हम हाइड्रोजिनेशन करें रिएक्शन विद H2, तो यहां पर क्या होगा डबल हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा आपको, इसलिए डबल हाइड्रोजिनेशन करना पड़ेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं और ये दो पाई बॉन्ड अलग अलग डिसोसिएट होंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप H2 के बीच का बॉन्ड तोड़ा आपने सिमिलरली जैसे ऊपर किया था H पॉजिटिव S नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, अब सबसे पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा एक पॉजिटिव ये बना एक नेगेटिव ये बना, तो क्या होगा H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा H नेगेटिव इस CH2 के साथ अटैच हो गए, ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एक एक हाइड्रोजन ईच कार्बन के साथ ज्वाइंट होकर ये बना आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए अब ये हमारा इथीन बना पहले, क्योंकि इथीन हमको बनाना है इथेन, तो फाइनली हम क्या करते हैं इसका एक बार और हाइड्रोजिनेशन कर देंगे यानी H2 के साथ रिएक्शन, वही कैटलिस्ट आपने डाले हुए हैं, तो फिर क्या होगा फर्दर H2 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और CH कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूटेगा, और फाइनली क्या होगा आपका एक एच इस कार्बन के साथ जुड़ गया एक एच इस कार्बन के साथ जुड़ गया और ये बन गया आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो दिस इज इथेन। तो यही हमको बनाना है यानी एल्केन की फॉर्मेशन करनी है आपको, तो ये है सबसे पहला मेथड बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, तो एक तो इस तरीके से आप एल्केन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट दूसरा मेथड है जिससे आप एल्केन की फॉर्मेशन को कर सकते हैं, वो है आपका बाय, या हम एक तरीके से ये कह सकते हैं सेकंड वन, फ्रॉम कपलिंग रिएक्शन, फ्रॉम कपलिंग रिएक्शन, और कपलिंग रिएक्शन को हम बोलते हैं वुड्ज रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को जो है वुड्ज ने दिया हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं वुड्ज रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो ये वुड्ज रिएक्शन एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन होती है जिससे हायर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, इससे आप मीथेन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते कभी भी, ये एक इसका एक्सेप्शन है कि मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म बाय द वुड्ज रिएक्शन, इट इज ओनली ऑब्टेन्ड इन हायर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स। अब कैसे बनाएंगे वुड्ज रिएक्शन, होती क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। तो वुड्ज रिएक्शन में क्या होता है कि दो एल्काइल हैलाइड्स हम लेते हैं, एल्काइल हैलाइड का मतलब ये हुआ
सपोज एक हमने ले लिया CH3Cl, दिस इज क्लोरोमीथेन, इसको बोलेंगे आप दिस इज क्लोरोमीथेन, और क्लोरोमीथेन के दो मेंबर हमको लेने होते हैं, इसको मैं ऐसे लिखता हूं CHCl CH3, दिस इज क्लोरोमीथेन, टू क्लोरोमीथेन्स या मिथाइल क्लोराइड्स या कोई भी आपका इससे अलग मेंबर भी हो सकता है, तो हम यहां पर ले रहे हैं क्लोरोमीथेन की, इसकी हम रिएक्शन कर देते हैं सोडियम के साथ, सोडियम और एक स्पेशल इसमें रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं ड्राई ईथर, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो अब देखिए दो क्लोरोइथेन के मॉलिक्यूल लेने का है तो हमने सोडियम भी दो लेने पड़ेंगे, तो क्या होता है इसमें ये इतना पूरा पार्ट एलिमिनेट होता है, यानी 2Na 2Cl को लेके ये सबसे पहले बना देंगे आपका 2NaCl, और ये जो CH3 है ये इसके साथ कपल करके ये बना देता है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी ये बन गया इथेन। दिस इज वुड्स रिएक्शन। तो आप ये कहेंगे वुड्स रिएक्शन में व्हेन टू एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राईथर देन इट गिव्स इथेन, या जो भी है हमने यहाँ पे इथेन लिया हुआ है। सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं इसके अलावा कोई हायर मेंबर हम ले CH3CH2Cl टाइप में, इट मींस ये हो गया आपका इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड के आपको दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे और उसको लिखने का तरीका हम इस तरीके से लिख देते हैं CH2 देन CH3, और इसकी रिएक्शन करनी है हमको सोडियम के साथ, ये स्पेसिफिक रिएजेंट होता है सोडियम। अब सोडियम के भी टू मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे बिकॉज इथाइल क्लोराइड के आपने दो मॉलिक्यूल लिए हुए, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होनी है आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा आपका ये दो NaCl यहां से एलिमिनेट हुए और 2NaCl एलिमिनेट होने के बाद ये बन गया आपका CH3CH2CH2 एंड देन CH3, दिस मीन ये CH3CH2 इस CH3CH2 के साथ कपल करके ये बन गया आपका ब्यूटेन का मॉलिक्यूल। तो ये एक स्पेशल आइडेंटिटी है वुड्स रिएक्शन की, और ये भी हम कहेंगे विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन वी कैन फॉर्म इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, यानी जो भी ऐसा एल्केन जो इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे उनको ही हम फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वुड्स रिएक्शन से। तो ये आपका डिफरेंट एग्जांपल हो गए वुड्स रिएक्शन के। अब देखिए वुड्स रिएक्शन की एक एक्सटेंशन फॉर्म और होती है जिसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब क्या होता है इसमें देखिए इसी के अंदर दूसरा है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब होती क्या है वुड्स फिटिक रिएक्शन देखिए, तो हम ये कहते हैं कि वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि अभी इससे पहले हमने जब वुड फिटिक सिंपल वुड्स रिएक्शन की बात करी थी तो वुड्स रिएक्शन में दो सेम एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स का कपलिंग होता है, लेकिन वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्काइल हैलाइड कपलिंग करने जा रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या होंगे डिफरेंट नंबर्स पे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है एक हमने ले लिया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करनी है आपको सोडियम के साथ, और साथ में दूसरा जो कपलिंग एलिमेंट होगा वो आपका बेसिकली दूसरा मेंबर होगा CH2CH3। तो देखिए हमने क्या किया एक मिथाइल क्लोराइड लिया एक इथाइल क्लोराइड लिया, इन दोनों की रिएक्शन कर दी सोडियम के साथ, और सोडियम के भी टू मॉलिक्यूल्स को हमने लेना है, इसलिए टू मॉलिक्यूल ले रहे हैं क्योंकि हमने एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लिए होंगे, एक मिथाइल क्लोराइड लिया है दूसरा इथाइल क्लोराइड, और रिएक्शन कंडीशन सेम होगी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होनी है आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या होगा ये जो 2Na है ये 2Cl को लेके यहां से बन जाएगा आपका 2NaCl, और साथ में हमारे पास क्या हो गया CH3 कपलिंग कर जाएगा CH2CH3 के साथ, तो ये बन गया CH2CH2CH3। तो देखिए यहां से बन गया प्रोपेन। तो क्या अंतर है वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक में, वुड्स रिएक्शन से क्या होता है कि इवन नंबर ऑफ एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है, जबकि वुड्स फिटिक रिएक्शन से क्या होता है ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसे प्रोपेन पेंटेन हेप्टेन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी रिएक्शन हम करते हैं उसकी फॉर्मेशन हम करेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन से। तो ये वुड्स रिएक्शन एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन दो ये रिएक्शन है, इनसे भी आप एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। ये तो दूसरा मेथड है एल्केन की फॉर्मेशन का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट तीसरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। तो दिस इज द अनदर मेथड जिससे आप क्या करते हैं एल्केन्स की फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से। अब देखिए डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती क्या है, बेसिकली इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे कोई सोडियम सॉल्ट ऑफ आपने लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड में हमने लिया है,
तो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको, ये हमारे पास है CH3COONa, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, क्योंकि इसमें क्या होता है Na पॉजिटिव फॉर्म होता है, ये एसिटेट आयन है। दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, ये हमारा मेन रिएक्टेंट होता है डिकार्बोक्सिलेशन में। अब इसके हम रिएक्शन कर देते हैं किसके साथ, सोडा लाइम, सोडा लाइम, और सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं सोडा लाइम, और इसको हीट करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये बनाता है आपका एल्केन। अब कैसे बनेगा देखिए, हमने कहा कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद सोडा लाइम देन इट गिव्स करस्पॉन्डिंग एल्केन्स एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। अब कैसे आप इसको दिखाएंगे, देखिए नाउ मैकेनिज्म कैसे ये रिएक्शन बनती है इसको आपने देखना है। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, कैसे आप इस रिएक्शन को बनाएंगे ये आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, अब सोडा लाइम में क्या होता है कि NaOH तो रिएक्शन करता है और CaO की केवल प्रेजेंस होती है, तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट आपका इसको हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपका, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया हुआ है CH3COONa, तो इसमें हम क्या करते हैं Na पॉजिटिव फॉर्म में होगा और ये CH3CO नेगेटिव जो है नेगेटिव फॉर्म में होता है, इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं किसके साथ NaOH से, NaOH ठीक है, और प्रेजेंस किसकी होगी आपका CaO की। तो यहां से क्या होता है, अब इतना पूरा पार्ट COONa और ये NaOH में NaO इतना एलिमिनेट होता है, यानी Na2CO2 ये हो गया एक ही हो गया, ये बन गया आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस ये जो H है ये रिएक्शन करता है आपका CH3 के साथ, तो ये बना देगा आपका CH4 यानी मीथेन बन गया यहां से आपका, और यही हमको बनाना है एल्केन। अब बनता कैसे है इसको अगर आप पूरा का पूरा देखेंगे तो यहां से Na2CO3 डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है एलिमिनेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर हुआ क्या, हमने सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड की सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करी, अब सोडा लाइम में केवल NaOH ही रिएक्शन करता है, CaO की केवल प्रेजेंस रहती है, तो क्या हुआ कि Na2CO3 लिबरेट हुआ आपका, और इसके लिबरेशन के बाद जो बचा यानी H इसके साथ कपलिंग करके ये बना देता है CH4। ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपिनोइक एसिड भी हम ले सकते हैं, उसमें एक कार्बन और बढ़ जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड भी हम ले सकते हैं, तो जैसा आप रिएक्टेंट लेंगे उसी तरीके से एल्केन की फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज द अनदर बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ये तो हो गया आपका डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से कैसे आप बनाएंगे। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट मेथड है फोर्थ वन, इसको हम जिसको हम बोलते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो दिस इज द अनदर मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स जिसको हम बोलते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। अब कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में क्या होता है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे रिएक्शन कराएंगे, तो इसके लिए क्या होता है कि हम वो जो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इससे पहले लिया था उसी तरीके का एक रिएक्टिंग मटीरियल लेंगे। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पर हमने लिया हुआ है सोडियम एसिटेट, और सोडियम एसिटेट के भी दो मॉलिक्यूल्स को लेते हैं यानी टू मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम क्या करते हैं कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड को इसका हम एक तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमने इलेक्ट्रोलिसिस करा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि हमने इस पर करंट प्रोवाइड करी, और करंट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है इससे दो चीजें बनती है आपकी, एक तो CH3CO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव बिकॉज ऑफ दो मॉलिक्यूल हमने लिए हैं, तो एक बनता है एनायन और एक होता है आपका कैटायन, यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है ये एनायनिक एंड कैटायनिक फॉर्म में निकलता है सबसे पहले। तो हमने क्या किया, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस किया और उसके इलेक्ट्रोलिसिस से एक एनायन फॉर्मेशन हुई और एक कैटायन फॉर्मेशन। अब हमको जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करनी है यानी एल्केन जो बनेगा वो यहाँ पर बनता है एनायन से। अब यहाँ पर दो तरीके की रिएक्शन होंगी, एक एनायन पे रिएक्शन होगी, एक कैटायन पे रिएक्शन होगी, और एनायन रिएक्शन से हमारा एल्केन बनता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म में जाते हैं, तो ये बनता कैसे है, नाउ इट्स मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि दो स्टेप में रिएक्शन होती है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है रिएक्शन एट एनोड
एनायन की रिएक्शन जहां पर होगी एनोड रिएक्शन होगी, एनओडी रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पर रिएक्शन सबसे पहले होनी है एनायन की। अब कैसे होगा देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो CH3CO नेगेटिव है ये डिसोसिएट होता है। इसको मैं पूरा का पूरा ओपन करके लिखता हूँ, CH3C(O)। इसको लिखने का तरीका होता है CO नेगेटिव को ये COO नेगेटिव, बिकॉज इट इज कार्बोनिल कंपाउंड। अब इसके भी कितने मॉलिक्यूल लिए हैं आपने, 2 मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले क्या होता है देखिए, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो इसके पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक नेगेटिव चार्ज इसमें दिख रहा है। तो सबसे पहले क्या होता देखिए, ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड है इसमें जो ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही आप एनोड रिएक्शन बोलते हैं तो एनोड में इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है यहां से, यानी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, अब ओवरऑल हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, तो हम क्या करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हुए दिखाएंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकला तो इस ऑक्सीजन पे पहले चार्ज कैसा है आपका, नेगेटिव चार्ज। अब जब ये बाहर निकला तो इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी इस ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के बाद, और ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ये बन गया न्यूट्रल। इट मींस ये हमारे पास बच गया CH3C(O)। ये तो न्यूट्रल हो गया, बचा एक इलेक्ट्रॉन, बाकी ये पेयर अपनी जगह पे है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और एक ही इलेक्ट्रॉन बच गया आपका, ये ऑड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होगी आपकी, एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास बच रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड है उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के बाद एक रेडिकल फॉर्मेशन होती है, इसको रेडिकल फॉर्म भी बोल सकते हैं, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन जहां पर भी बचता है उसको रेडिकल फॉर्मेशन आप बोलेंगे। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखिए ये जो CH3CO है इसी के आगे हम फर्दर लिखा सकते हैं। अब यहां पर एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शन किस तरीके से होती है देखिए, यहां पर ऑक्सीजन के पास एक लॉन पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब हमको करना क्या है, इस CH3 और C के बीच के बॉन्ड को भी डिसोसिएट करना पड़ेगा। वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इसको न्यूट्रल करना है आपने, तो न्यूट्रल करने के लिए इस पर रेडिकल है तो बगल वाले कार्बन पे भी हमको रेडिकल चाहिए, तो रेडिकल लाने के लिए हम इसको फ्री रेडिकली बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे, यानी होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन होगा यहां पे। तो होमोलाइटिक बॉन्ड डिसोसिएशन में क्या है कि इस कार्बन पर क्या होगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ऑलरेडी इसके पास क्या है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अगर एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो ये बना देंगे बॉन्ड, यानी एक तो हमारी CO2 बार होगी यहाँ से, और CO2 एलिमिनेट होने के बाद हमको मिल रहा है यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 रेडिकल। इसका मतलब ये हुआ एक CH3 रेडिकल मिल गया आपको, एक ऐसे ही आपका CH3 रेडिकल मिल गया। अब ये रेडिकल रेडिकल क्या बना देंगे आपका, बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यही हमको चाहिए एल्केन बनाना है, यानी हमको इथेन मिल गया, प्लस यहाँ से क्या बार हो गया आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होती है, यानी हमको इथेन बना, तो एट एनोड रिएक्शन से हमारा इथेन की फॉर्मेशन। अब रिएक्शन को हमको कंप्लीट करना है, तो दूसरे जो रिएक्शन हमको मिलता है वो मिलता है किस पे, एट कैथोड, कैथोड जहां पर पॉजिटिव है। तो कैथोड रिएक्शन क्या होगी देखिए, ये जो 2Na पॉजिटिव है इसको हमको न्यूट्रलाइज करना है, तो न्यूट्रलाइज कैसे होगा देखिए, जो यहां पर एसिटेट आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, वो 2 इलेक्ट्रॉन अब इस सोडियम के पास चले जाएंगे। हम क्या करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस सोडियम को देंगे, और सोडियम को इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये भी आपका अपने आप में न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो गया आपका 2Na बन गया, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो ये बच गया आपका 2Na, यानी हमारी रिएक्शन सेटल डाउन हो गई और फाइनली हमको बन गया आपका इथेन। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो आपको ये कहना है कि विद द हेल्प ऑफ कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर यानी एल्केन्स, और एल्केन्स भी जो होगा इसमें वो मोर देन 1 कार्बन का बनेगा, यानी मीथेन को छोड़ के उससे हायर मेंबर्स के एल्केन्स की फॉर्मेशन को हम कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन से, जिसको आप बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये भी आपका एल्केन की फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट मेथड हो गया। अब देखिए लास्ट एक फोर्थ मेथड है जिससे हम एल्केन की फॉर्मेशन को करते हैं, वो है आपका नेक्स्ट फिफ्थ वन, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हम एल्केन को बनाएंगे ये हमको अब देखना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिससे हम किसी एल्केन की फॉर्मेशन को करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो सबसे पहले हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, तो बेसिकली क्या है, किसी भी एल्काइल हैलाइड की, एल्काइल हैलाइड हमारे पास है RX, जहां पे R एल्केन हो गया एल्काइल ग्रुप एंड X इज हैलोजन, इसकी अगर मैं रिएक्शन कर देता हूं मैग्नीशियम मेटल के साथ,
तो यहां से एक रिएजेंट बनता है आपका, जिसको हम बोलते हैं आर एम जी एक्स, जहां पे आर जो है इसको बोलेंगे एल्काइल ग्रुप और एम जी मेटल हो गया, एक्स इज हैलोजन। तो ये जो आर एम जी एक्स है इस पूरे को बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या, जिसको हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट बोलेंगे। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में क्या है, एल्काइल ग्रुप पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नेगेटिव होता है क्योंकि एक्स हैलोजन है, ये एक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम अपने आप में मेटल है, तो मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एल्काइल ग्रुप पर यहाँ पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो आर एम जी एक्स इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो इससे आपने बनाना है एल्केन। तो करते क्या है कि किसी ग्रिगनार्ड रिएजेंट का हमने हाइड्रोलिसिस कर देना है, यानी उसकी रिएक्शन कर देंगे आप H2O से। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां से आपका एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो कैसे बनता है, देखिए आपने कोई ग्रिगनार्ड रिएजेंट ले लिया आर एम जी एक्स, इसका हम हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब हो गया HOH। तो जब ये रिएक्शन करेगा HOH मीन्स रिएक्शन विद H2O, और जो रिएक्शन होती है ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जो ड्राई ईथर, या जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन जो है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और बनेगा क्या, देखिए ये जो आर एम जी एक्स है ये बॉन्ड आपका डिसोसिएट होता है और एच ओ एच के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होगा, एच जो है आर के साथ रिएक्शन करेगा और ओ एच जो है एम जी एक्स के साथ रिएक्शन करके ये बन गया आर एच। ये आपका कोई एल्केन है, आर कोई कुछ भी हो सकता है, अभी हम इसको रिएक्शन करेंगे, और दूसरा हमारे पास बन गया एम जी एक्स ओ एच, ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया, हमको आर एच की जरूरत है जिसको हम एल्केन बोल रहे हैं। अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं, तो होता क्या, देखिए आर की जगह पे आपने ले लिया सी एस थ्री एम जी और एक्स की जगह पे ले लिया आपने हैलोजन, हैलोजन हम ले रहे हैं क्लोरीन, इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद H2O। अब क्या होगा, सबसे पहले एच एच के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होना है, तो OH नेगेटिव के फॉर्म में हो गया, H पॉजिटिव के फॉर्म में, और RMGX में क्या है, हमने कहा कि CH3 जो है एल्काइल ग्रुप वो नेगेटिवली चार्ज होता है और MgCl पूरा का पूरा पॉजिटिव होता है, क्योंकि Mg क्या है, मेटल है। तो क्या होगा, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो CH3 नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके ये बना देगा CH3H, दिस मीन CH4, और साथ में क्या होगा कि जो MgCl है ये OH के साथ रिएक्शन करके एक बाई प्रोडक्ट आपको मिल गया MgClOH। तो दिस इज इथेन, मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया। ऐसे ही हम इथेन की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं प्रोपेन की। तो दीज आर दी मेथड जहां से आप क्या करते हैं एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो आपका एल्केन को बनाने के मेथड है। अब देखिए नाउ अब हम बात करते हैं एल्केन्स की प्रॉपर्टीज की। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, दूसरा पार्ट है इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो देखिए दो तरीके की प्रॉपर्टीज को हम शो करते हैं जब भी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो एक तो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरे आपका होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये चार चीजें आपको पढ़नी है, एक तो आपके पास हो गया फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, दूसरा आपका हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी, तीसरा हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी। ठीक, तो दीज आर दी वेरियस प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एल्केन्स की फिजिकल स्टेट। तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट फोर मेंबर्स यानी C1 से लेके C4 के जितने भी एल्केन्स होते हैं They all are exist in gaseous form. ये जो है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, आपका gaseous form में। इसके बाद C5 से लेके C18 तक के यानी जो middle member होते हैं ये always किस फॉर्म में रहेंगे, आपका एक तरीके से liquid form में। और C18 यानी 19 से above जितने भी आपका alkanes होते हैं they are exist in waxes या इसी को हम बोल सकते हैं solid form। तो these are the physical state of alkanes. यानी फर्स्ट फोर मेंबर्स ऑफ एल्केन्स कैन एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म एंड हायर मेंबर C5 टू C18 कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म एंड C19 से अबव जितने भी आपका एल्केन्स होते हैं वो एक तरीके से लिक्विड या वैक्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दिस इज द फिजिकल स्टेट, इस तरीके से एल्केन्स बनता है। दूसरा आपके पास है सॉलिबिलिटी। अब हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी में, तो होता क्या है कि जितने भी एल्केन्स हैं ऑल एल्केन्स आर नॉन पोलर इन नेचर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो नॉन पोलर कैरेक्टर का होगा। तो नॉन पोलर जो है
एक फॉर्मूला होता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो सॉल्यूशन या सब्सटेंस जिस नेचर का होगा उसी सब में आपका डिजॉल्व होगा। तो एल्केन्स का नेचर होता है नॉन पोलर कैरेक्टर, तो नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही एल्केन्स रिएक्ट करेगा यानी डिजॉल्व होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्केन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, व्हाइल दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, हेक्सेन, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑलमोस्ट जो है एक तरीके से नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एल्केन्स वाटर में इनसॉल्युबल होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ये इनके सॉल्युबिलिटी का नेचर होता है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं एमपी एंड बीपी। तो सबसे बात पहली बात करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट की। तो होता क्या है, देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट है तो ये मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एल्किन का मोलर मास हायर होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हायर होगा, अगर मोलर मास कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका कम होगा। सपोज आपके पास ये अलग अलग एल्केन के मेंबर है, एक CH4 आपने ले लिया, एक C2H6 ले लिया, एक C3H8 आपने ले लिया, एक C4H10 ले लिया। तो देखिए जैसे जैसे आप एल्केन की सीरीज में आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास जो है, मोलर मास जिसको आप बोलते हैं, वो मोलर मास आपका इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करने के साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी आपका उसका बढ़ेगा। तो हम ये कहेंगे विद द इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एल्केन्स, या जो भी आपका कार्बन नंबर बढ़ेगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, आपका इंक्रीज करता है। तो C4H10 यानी ब्यूटेन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा कंपैरेटिवली मीथेन के मेल्टिंग पॉइंट से हायर होता है। तो ये तो आपका मेल्टिंग पॉइंट का केस है। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या केस होता है, देखिए दूसरा बॉइलिंग पॉइंट बीपी। देखिए हमारे पास क्या है, अब ये तो हमने बात करी थी जब आपके पास क्या है डिफरेंट टाइप के एल्केन्स होंगे जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग होगा। अगर कोई ऐसा कंपाउंड है या ऐसा कोई एल्केन ले लिया जो आइसोमरिक फॉर्म में होगा, आइसोमरिक फॉर्म का मतलब जैसे हमने ले लिया आपका CH3 पेंटेन का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ आपका। पेंटेन में ये तीन कैटेगरी होती है, CH3, CH2, CH2, CH2 एंड देन CH3। ये हो गया 5 मेंबर की चेन है जिसको आप बोलते हैं एन पेंटेन। तो एंटेन तो एक इस फॉर्म में रहता है, ऐसे ही एक और हम इसका ले सकते हैं CH3C, एक कार्बन को हम ब्रांच में डाल दे रहे हैं तो ये बन गया आपका CH2CH3, 1, 2, 3, 4 एक और होगा CH3। सेम एज इसको हम बोलते हैं आइसो पेंटेन, दिस इज द आइसो फॉर्म ऑफ पेंटेन। एक और फॉर्म होती है पेंटेन की जिसको हम बोल देते हैं, अब हम करें क्या, एक कार्बन को और यहां से ब्रांच चेन में डाल देंगे CH3, एक और इसी के पैरेलल CH3 आपने ले ली, देन CH3 1, 2, 3, 4, 5 देखिए इसको हम बोलते हैं नियो पेंटेन, दिस इज नियो पेंटेन। ये तीन फॉर्म्स होती है पेंटेन की, और ये तीनों के तीन एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और आइसोमर में भी चेन आइसोमर होते हैं क्योंकि तीनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कार्बन चेन में तीनों में क्या दिख रहा है आपको, डिफरेंस दिख रहा है। दीज आर दी चेन आइसोमर्स इन ईच अदर। अब देखिए इन तीनों के अगर बॉइलिंग पॉइंट का हम कंपैरिजन करें, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें है उतने इसमें भी है और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें भी है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है इसके सरफेस एरिया का। देखिए जो एन पेंटेन है, जो एन पेंटेन, एन का मतलब होता है नॉर्मल पेंटेन, तो एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे हाइएस्ट होता है, उसके बाद आपका आता है आइसो पेंटेन, और सबसे लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है नियो पेंटेन। तो ये ऑर्डर इस तरीके से क्यों होता है, देखिए एन पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट था वो हाईएस्ट है, हम ये कह रहे हैं क्योंकि सेम आइसोमरिक फॉर्म में क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उस कंपाउंड के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि सरफेस एरिया कितना है। तो एन पेंटेन में क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो एक तरीके से क्या है, बड़ा सरफेस एरिया है, तो बड़ा सरफेस एरिया होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट हमको होगी, यानी इसको ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि आइसो के केस में क्या होता है, इससे स्मॉलर इसका सरफेस एरिया रहता है, और नियो के केस में सबसे स्मॉलर सरफेस एरिया यानी छोटे एरिया पे होंगे, तो इसका मतलब सरफेस एरिया पे भी बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एन पेंटेन का सरफेस एरिया लार्जर है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा कंपैरेटिवली आइसो पेंटेन से और आपका न्यू पेंटेन से। तो ये तो है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल रिएक्टिविटी की। नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन, इसमें एक दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। नाउ
केमिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा इसी के अंदर हम प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देखिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम बोलते हैं। क्यों हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं इसको? अब सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन में हम बताने जा रहे हैं हैलोजिनेशन। दिस इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद हैलोजन, रिएक्शन विद हैलोजन को बोलेंगे आपका हैलोजिनेशन। और हैलोजिनेशन में भी हम बात कर रहे हैं क्लोरीनेशन की, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे क्लोरीनेशन। तो एल्केन का क्लोरीनेशन हमको बताना है, तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोरीनेशन। तो होता क्या है क्लोरीनेशन में, एल्केन की हम रिएक्शन करते हैं, कोई भी एल्केन हम ले सकते हैं, उस एल्केन का क्लोरीनेशन करेंगे रिएक्शन विद क्लोरीन। अब क्लोरीनेशन हमेशा जो है एल्केन्स में सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो कैसे रिएक्शन हम दिखाएंगे, ये हमारे पास कोई एल्केन ले लिया माना CH4, इसकी रिएक्शन मैंने कर दी क्लोरीन के साथ Cl2, और जो रिएक्शन मीडियम होती है वो होती है बेसिकली सनलाइट, जिसको H𝛎 से रिप्रेजेंट करते हैं सनलाइट को। तो यहां से क्या होता है कि इसका क्लोरीनेशन के बाद ये बनता है CH3Cl, यानी CH4 से एक हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और उसको कौन एलिमिनेट करेगा, क्लोरीन। तो इसलिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन को और उसकी जगह पे आके ये बन गया CH3Cl। अब ये जो रिएक्शन होती है ये बड़ी एक लेंथी रिएक्शन होती है क्लोरीनेशन की, क्योंकि यहीं पर क्लोरीनेशन रुकता नहीं है, इसका फर्दर क्लोरीनेशन होता है, फिर हम इसका Cl2 से रिएक्शन करेंगे तो ये बना देता है आपका CH2Cl2, फिर फर्दर इसका क्लोरीनेशन आप करते हैं CH3Cl2 के साथ, ये बनता है आपका CHCl2Cl3, जिसको क्लोरोफॉर्म आप बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म यहीं से बनता है आपका। एंड फाइनली इसके अगर आप Cl2 से रिएक्शन करते हैं तो एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है आपका, जिसको आप बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये एक चेन रिएक्शन होती है जिसमें क्लोरीनेशन रेगुलर होता जाता है जब तक कार्बन से हाइड्रोजन सारे के सारे लिबरेट न हो जाए, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन। और क्लोरीनेशन आपका CCl4 तक बनेगा आपका। अब कैसे बनता है इसका हम देखते हैं, सबसे पहले मैकेनिज्म। नाउ मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन, तो क्या होता है, देखिए यहां पर एक चेन प्रोपगेशन रिएक्शन होती है, बढ़ती जाती है कार्बन चेन। एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है वो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म प्रोसेस होगी वो थ्रू फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म से होगी। तो कैसे होता, देखिए आप इसका हम मैकेनिज्म सबसे पहले देखते हैं। होता क्या है, सबसे पहले जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, तीन स्टेप्स होते हैं रिएक्शन। जब भी कोई रेडिकल फॉर्मेशन होगी या रेडिकल रिएक्शन होती है वो थ्री स्टेप्स की रिएक्शन होती है। सबसे पहला स्टेप होता है आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन में क्या होता है कि रिएक्शन इनिशिएट होती है। सेकेंड जो स्टेप होता है आपका, उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन स्टेप। प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन प्रोपोगेट होती है और लगातार रिएक्शन जो है बढ़ती जाती है जब तक उस रिएक्शन को आप टर्मिनेट नहीं करें। तो इसलिए तीसरा स्टेप और आता है इसमें, जिसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसमें हमको रिएक्शन को टर्मिनेट करना है और एक प्रोडक्ट स्टेबल करना है। तो यही चीज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। दिस इज इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन के जो हमने रिएजेंट लिया हुआ है क्लोरीन, इसका फ्री रेडिकल डिसोसिएशन होगा क्योंकि हमको इनिशिएटर बनाना है। तो Cl2 को मैं ओपन करके लिख देता हूँ ClCl के फॉर्म में। इस पर हम सनलाइट प्रोवाइड करते हैं और हमने आपसे कहा कि जब भी कोई सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी। तो ClCl के बीच का बॉन्ड फ्री रेडिकल ही डिसोसिएट होगा, जिससे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आप बोलते हैं। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से क्या हो गया, रेडिकल फॉर्मेशन होगी, एक Cl रेडिकल बन गया, एक ही Cl रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, रेडिकल फॉर्मेशन होती है, क्लोरीन क्लोरीन के बॉन्ड बीच का बॉन्ड डिसोसिएट हुआ होमोलिटिकली एंड फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। तो ये इनिशिएटर बन गई, क्लोरीन इज अ इनिशिएटर इन दिस केस। अब क्या होता है कि जो ये इनिशिएटर जैसे आपके बन गए, अब रिएक्शन के दूसरे स्टेप में हम जाते हैं, स्टेप नंबर 2। एंड स्टेप नंबर 2 इज प्रोपगेशन स्टेप।
तो प्रोपगेशन स्टेप जो होता है इट इज अ वेरी लेंथी स्टेप, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है जहां यहां पर क्या होता है कि रिएक्शन कंटिन्यूअसली जो है बढ़ती जाती है जब तक कि आप उसको टर्मिनेट नहीं करोगे। तो रिएक्शन कैसे बढ़ती है, देखिए होता क्या है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट आपने लिया हुआ है CH4, अब हम इस रिएक्टेंट पे जाएंगे CH4, तो CH4 को मैं एक तरीके से ओपन करके लिखता हूं, और जब इसको ओपन करके लिखेंगे दैट इज CH3H के फॉर्म पे। तो सबसे पहले क्या है जो इनिशिएशन स्टेप में एक रेडिकल फॉर्मेशन आपकी हुई है Cl रेडिकल, तो इसमें से हम क्या करते हैं एक रेडिकल को ले लेंगे, और ये रेडिकल आपने ले लिया और इसकी रिएक्शन कर दी मीथेन के साथ। अब हमको क्या करना है, हमेशा रेडिकल अगर आपने रिएक्शन कराना है तो यहां पर भी आपको रेडिकल फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है कि CH3 और H के बीच के बॉन्ड को भी फ्री रेडिकली डिसोसिएट करते हैं क्योंकि हमको रेडिकल की रिक्वायरमेंट है। तो क्या हुआ जब ये बॉन्ड बीच का बॉन्ड होमोलिटिकली डिसोसिएट होगा तो CH3 पर एक रेडिकल आ गया और एक इस पे आ गया आपका H पे। तो क्या हुआ कि ये Cl जो है EH के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है आपका HCl, और साथ में हमारे पास मिल गया CH3 रेडिकल। तो देखिए रेडिकल अभी भी बचा हुआ है हमारे पास, रेडिकल खत्म नहीं होता है क्योंकि प्रोपगेशन स्टेप जो है वहां पे रिएक्शन कंटिन्यूअस बढ़ती जाती है जब तक आप उस रिएक्शन को टर्मिनेट नहीं करते हैं। फिर क्या होता है फर्दर, इसमें ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है जिसको बोलते हैं आप क्या मिथाइल फ्री रेडिकल, तो ये मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर क्या करता है आपका रिएक्शन करेगा। अब क्या हो आपका CH3 रेडिकल के फिर जाके हम रिएक्शन कर दे रहे हैं किसके साथ, दोबारा से इसकी रिएक्शन कर दो क्लोरीन से, जो क्लोरीन हमारा रही है क्योंकि ये तो रिएक्शन के अंदर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी रिएक्शन जो है एक बीकर के अंदर हम करने जा रहे हैं और उस बीकर में मीथेन भी है और साथ में हमने क्लोरीन भी उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो होता क्या है फर्दर जो है CH3 फिर रिएक्शन करेगा Cl2 के साथ, ये रिएक्शन करते जाएगा ठीक है ना। तो Cl के बीच का बॉन्ड टूटा फ्री रेडिकली, एक Cl पर रेडिकल आ गया एक Cl पर रेडिकल आया, तो क्या हुआ कि एक रेडिकल अब इस CH3 रेडिकल के साथ रिएक्शन करके ये बन गया CH3 रेडिकल, क्योंकि हमारा सबसे पहले स्टेप में बनना है CH3Cl, तो ये CH3Cl आपको मिल गया, और साथ में अभी भी क्या हुआ है एक Cl रेडिकल बचा हुआ है क्योंकि ये जो स्टेप है इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप, एंड प्रोपेगेशन स्टेप इज अ वेरी लार्ज स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो यहां तक ये है, इसके बाद भी रिएक्शन आगे को प्रोसीड होती जाएगी बिकॉज हमारे पास Cl रेडिकल अभी भी बचा हुआ है। अब हमको क्या करना है इस पूरी रिएक्शन का बाइंडिंग करनी है, रिएक्शन को खत्म करना है, तो रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए तीसरा स्टेप हम यूज करते हैं जिसको वो यहां पे लिखते हैं स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर थर्ड को आप बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। तो टर्मिनेशन स्टेप में हम क्या करते हैं देखिए रिएक्शन को टर्मिनेट करना है आपको। तो रिएक्शन कैसे टर्मिनेट होगी, तो हम क्या करते हैं देखिए ये जो आपने रेडिकल लिया हुआ है जैसे यहां पर एक रेडिकल बच गया Cl रेडिकल, ये Cl रेडिकल दूसरे Cl रेडिकल से रिएक्शन करके अब ये बना देगा, यहां पर कोई रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे हमारे पास क्या है CH3 रेडिकल की दूसरे एक और CH3 रेडिकल के साथ रिएक्शन करते हैं क्योंकि रेडिकल बच रहा है आपका CH3 रेडिकल, एक और CH3 रेडिकल ले लें तो ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ऐसे हम क्या कर सकते हैं देखिए CH3 रेडिकल को फिर किसी Cl रेडिकल से रिएक्शन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रेडिकल रेडिकल को आपस में कनेक्ट करना आपको और रिएक्शन को खत्म करना है यानी स्टॉप करना है। तो दिस इज अ टर्मिनेशन स्टेप, एंड टर्मिनेशन स्टेप में अब कोई रेडिकल फॉर्मेशन नहीं होगी प्रोडक्ट साइड पे क्योंकि रिएक्शन हमारे यहीं पे क्या होगी आपका स्टॉप। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हैलोजनिज्म रिएक्शन में ये है। अब क्या होता है देखिए इसका फर्दर, ये तो एक लिमिटेड क्लोरिनेशन है, अगर इसका फर्दर क्लोरिनेशन करेंगे तो फाइनली एक प्रोडक्ट हमारा मिलता है CCl4। तो ये आपका एक तरीके से है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्किन्स। ठीक नाउ सेकेंड वन, ऐसी एक और रिएक्शन हम इसमें बताते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं दूसरा सब्स्टिट्यूशन में सेकेंड पार्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रेशन में क्या होता है देखिए कोई भी एल्केन हम लेंगे, एल्केन वन रिएक्ट विथ HNO3 देन इट गिव्स नाइट्रो एल्केन। तो एल्केन से नाइट्रो एल्केन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है एक कैटलिस्ट टर्म यूज करते हैं जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 एज ए कैटलिस्ट इसमें यूज करेंगे आप। तो फाइनली आपको ये कहना है कि नाइट्रेशन ऑफ एल्केन में क्या होता है कि एल्केन्स की रिएक्शन हम करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां से बनता है नाइट्रो एल्केन। अब कैसे बनेगा देखिए आपको एक एल्केन ले लीजिए आप CH3CH2CH2H, इट मींस प्रोपेन, ये आपके पास है प्रोपेन
इसकी रिएक्शन कर दिया आपने HNO3 से, नाइट्रिक एसिड को हम बोलते हैं HNO3। अब HNO3 को लिखने का तरीका होता है OH NO2 के टर्म पे, ये ठीक है ना, और प्रेजेंस किसकी होगी आपका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो OH NO2 में क्या होता है ना, ये जो OH पूरा का पूरा है नेगेटिव फॉर्म में होता है और NO2 यहाँ पर रहता है पॉजिटिव के फॉर्म में, क्योंकि इसको बोलता है इलेक्ट्रोफाइल। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले एच और सी एस टू ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन होता है, इतना पूरा पार्ट बाहर निकल जाएगा। एच पॉजिटिव OH नेगेटिव से रिएक्शन करके ये बना देता है एच टू, प्लस जो बचा ये सी एस टू जो है इस एनओ टू से रिएक्शन करके ये बना देगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू एनओ टू, दिस इज नाइट्रो इथेन। तो यहां से आपका बन गया नाइट्रो इथेन, तो इसको बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। ऐसे ही एक और इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है जिसको बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड एस टू एसओ फोर, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन को बोला जाता है सल्फोनेशन रिएक्शन। ये भी आपका एल्केन की एक केमिकल रिएक्शन की पार्ट है। तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि कोई एल्केन आप लेंगे जो भी है, इसका रिएक्शन कर देते हैं H2SO4 के साथ, और प्रेजेंस भी यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की ही होती है। तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं सल्फोनेटेड प्रोडक्ट या सल्फोनेटेड एल्केन्स। और वो बनेगा क्या देखिए, इसको हम दिखा रहे हैं ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। तो एल्केन ले लिया आपने कोई, सपोज आप ले रहे हैं इथेन का मोलिक्यूल सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, और सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री को लिखने का तरीका हमने एच को ओपन करके लिख दिया। अब हम यहाँ पर रिएक्शन कर रहे हैं एच टू एसओ फोर से, तो एच टू एसओ फोर को लिखने का तरीका होता है ओ एच एस ओ थ्री एच, ये दिस वन, जिसमें ओ एच नेगेटिव होता है, पूरा एसओ थ्री एच जो है वो पॉजिटिव होता है। ये जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो एच पॉजिटिव है ये इस ओ एच के साथ रिएक्शन करके ये बना देता है एक टू एच टू, और साथ में जो है ये बना देगा आपका सी एच थ्री सी एच टू एंड एसओ थ्री एच, दिस इज सल्फोनेटेड एल्केन्स। तो ये आपका है सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें किसी भी एल्केन की अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देन इट गिव्स सल्फोनेटेड एल्केन्स, और एच टू जो है आपका एलिमिनेट। तो ये दो तीन एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एल्केन्स की। इसके अलावा और भी बहुत सारी एल्केन्स की प्रॉपर्टी है जिसका जिक्र हम फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।